हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट जो है सॉल्व करेंगे। इसमें है पी ऑफ एक्स हमारा ये गिवन है, जी ऑफ एक्स दिस गिवन है। इसमें कह रहे दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशेंट और रिमाइंडर जो है फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो हमारा यहां पे नंबर है इसका जो है बेस है x और पावर है 2, और इसका बेस है x और इसका पावर क्या है 3। सबसे पहले हमें इन दोनों का यहां पे कोशिश करनी है कि इनकी पावर्स सेम हो जाए। सोचते हैं कि किस नंबर पे इनकी पावर सेम हो सकती है। x की पावर 2 कब x की पावर 3 बन सकती है? आई थिंक इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली इस पार्ट को नहीं करेंगे, इसके पूरी टर्म्स को करेंगे, सभी टर्म्स को इसको करेंगे हम। x और x की जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इट मींस x की पावर 3, ठीक है। देन सेकंड, x माइनस 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सिर्फ एक वेरिएबल में आंसर आएगा, x और माइनस 3। फिर इसको जैसे डिवाइड में करते हैं साइन चेंज कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हम नीचे उतार लेंगे। इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारे ऊपर वाली टर्म है। तो अब इसमें अगर हम साइन चेंज करें तो इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस कर दिया, बट इसका साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आया जाएगा 3x² + 8x - 3। सेकेंड स्टेप है, अब इसका एक्स स्क्वेयर जो है ये इसके इक्वल लेके आना। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, माइनस 3, इट मींस हम इसको पूरी टर्म को, पूरी पॉलीगन को हम क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल को, पूरी पॉलिनोमियल को हम माइनस 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² और माइनस माइनस प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, वो आएगी 9। साइन चेंज, दोबारा से ये कैंसिल हो जाएगा, 8x - 12। अब ये हमारा क्या आ गया, ऐसा वेरिएबल आ गया जो कि यहां से कम है। इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर 1, अब ये नहीं जा पाएगा। तो ये हमारा बच गया रिमाइंडर और ये हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, x माइनस 3, और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 8x - 12। थैंक्स।